इस समय हम टिहरी जनपद के कीर्तनगर नगर पालिका परिसर के अंदर पहुंचे हुए हैं और ताजुक और सराहनीय कार्य ये है कि आज के समय में एक ग्राम सभा से लेकर और पार्लियामेंट तक नारी शक्ति देखने को मिली है। उसी का हम आपको एक जीता जागता उदाहरण देखते हैं। यहाँ नगर पालिका में जो अध्यक्ष हैं एक महिला हैं और बड़ी कार्य कुशलता से है, और अभी आप लोगों का परिचय उन्हीं से कराते हैं। पहले तो समेज टीवी दर्शकों को होली जैसे पवित्र त्यौहार का पर हमारे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं कि ईश्वर आपके जीवन में सभी रंगों की खुशियों के साथ भरे। धन्यवाद। चलो अब आपका अधिक समय न लेकर उनसे आपका परिचय कराते हैं और उनसे ढेर सारी बातें करते हैं। उनका राजनीतिक कार्य कैसे चल रहा है, कब से चल रहा है, और क्या क्या उनके विचार हैं, और आगे उनकी क्या योजनाएं हैं, क्या भावनाएं हैं, क्या विचार है, उन्हीं से बात करते हैं और आप तक पहुंचाने का कष्ट करते हैं। अध्यक्ष नगर पंचायत कीर्तनगर, सबसे पहले मैं समय एचटीपी का धन्यवाद करते हैं। सभी नगरवासियों क्षेत्रवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामना एवं बधाई देते हैं। आप ये बताइए, आप राजनीति में कब से जुड़े हैं और क्या धारणा लेके जुड़े हैं? मेरा तो ये फर्स्ट ही समय है राजनीति में आने का, अभी ये 4 साल बाद। पहले वो तो घरी में रहते थे, 4 सालों से राजनीति में आए। आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली है, क्यों मिली है, किसने आपको प्रेरणा दी कि चलो राजनीति में चलते हैं? देखो राजनीति में आदमी कदम रखता है, विकास की भावना को लेकर चलता है कि मैं आगे चलूं, अच्छे कार्य करूं, आने वाली जनरेशन हमें याद करे, कई इसी धारणा को लेकर चलते हैं ना। तो आप कौन सी विचार लेके राजनीति में आए? इच्छा थी और जनता की सेवा करनी थी, इसलिए राजनीति क्षेत्र में आए। और 4 साल के अंदर हमने अच्छा विकास कार्य करे, सरकार के नेतृत्व में चौमुख विकास नगर क्षेत्र के हमने, हमारे सामान्य सभासद के सभी मिलके हमने अच्छे काम किए और आगे भी अच्छे करेंगे। देखो राजनीति में प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो प्रत्याशी जनता के साथ हर समय दुख और सुख में जुड़ा रहता है, उसके सामने तो चुनाव आए या ना आए वो कभी उसका मनोबल टूटता नहीं है और चुनाव तो आते रहते हैं। उसका अच्छा अगर कार्य होगा, जनता के साथ जुड़ा होगा, तो आगे भी उसको फील्ड में जगह मिल जाती है। तो आपकी क्या धारणा है, आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपका स्टाफ है, क्षेत्रीय जनता है, आपको कैसा दिखती है? मैं भी यही सोचती कि राजनीति और ये तो 5 साल के लिए होता है, पर जो अपनी मातृशक्ति होती है, अपना भाई बहन है जो भी होते हैं, इनके साथ संबंध अच्छा रखने चाहिए और सबके साथ मिलजुल के रहने चाहिए, यही मैं चाहती हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। अगर आप अपने जनता के साथ में सुख और दुख में हर समय उनका साथ देंगे, साथ जुड़े रहेंगे, तो चुनाव तो आते जाते रहते हैं और अब निश्चित ही जनता की तरफ से या ऊपर वाला भी देखता है, अगर आपने अच्छे कार्य किए हो तो आपको जरूर आगे रास्ते मिलेंगे। और हम चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ें, आगे बढ़ें। यहाँ तक कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि राजनीति में महिला शक्ति एक ग्राम स्तर से लेकर और आज पार्लियामेंट में तक देखने को मिलती है, तो इसी तरह धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ के आगे पहुंचते हैं, एकदम ऊपर कोई नहीं जाता। आपका क्या विचार है आगे? आगे अभी तो 1 साल का तो यही है, 1 साल का मतलब 7-8 महीने का यही कार्यकाल है, उसके बाद देखेंगे जैसा भी होगा। कार्यकाल 7-8 महीने का हो चाहे 7-8 साल का हो, अगर आपने अच्छा कार्य किया हो आपके लिए, तो अगर कल भी चुनाव हो जाए तो आपका मनोबल टूटेगा नहीं, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपने अच्छे कार्य किए हैं और हमारी भी तरफ से चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। अभी तो आप नगर पालिका अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष बने, फिर विधायक बने, पार्लियामेंट तक पहुँचे, ऐसी बात नहीं, धीरे धीरे सब ऐसे ही पहुँचते, पहले कोई नहीं पहुँचता। आगे आपका क्या विचार है राजनीति में चलने का?
देखो अभी तो कुछ नहीं है, पर प्रयास करेंगे और जनता समर्थन करेगी तो आगे भी रहेंगे। राजनीति में प्रयास शब्द जो होता है ये तो कार्यों के ऊपर निर्भर होता है। अगर आप जनता के साथ अच्छी तरह से जुड़े हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो नेचुरली आपका मनोबल बढ़ेगा और आप राजनीति में कदम रखने की सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारी भी यही दुआ है कि आप आगे बढ़ें। तो मैं अधिक समय आपका न लेकर के यही पूछना चाहता हूँ कि आगे अगर आप चुनाव रखने की धारणा रखते हैं, अच्छी बात है, चुनाव लड़ो, तो आप अपनी जनता से क्या कहना चाहते हैं? जैसे इस साल में किया हमने अच्छा कार्य, अच्छा विकास कार्य, अच्छा काम किए, ऐसे आगे भी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करेंगे आगे भी, अगर जो फिर से आएंगे तो। ठीक है, अच्छी बात है। अगर अगर आपने अच्छे कार्य किए होंगे, निचोली जनता आपका साथ देगी और हमारी भी आपको शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। इस समय हम कीर्तनगर नगर पालिका परिसर के अंदर पहुंचे हुए हैं और बड़ी खुशी की बात है कि इस समय हमारा आते ही हमें वहां के वार्ड मुखियों से मुलाकात करने का मौका मिला है। और सबसे अच्छी बात है, नगर पालिका ने इस समय 4 साल के विकास के समर्पण और प्रयासों की एक पत्रिका छापी है, जिसमें के अंदर उन्होंने अपने सारे कार्यों को प्रस्तुत कर रखा है। तो मैं अभी आपका परिचय उन वार्ड मुखियों से कराता हूँ जो उनके वो है, और उन्हीं के द्वारा अपने कार्यों का चर्चा करते हैं। ठीक है, आप? मेरा नाम अजय रावत है, मैं वार्ड नंबर 3 सभासद। तो आप नगर पालिका यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो आप इनके कार्यों से क्या संतुष्टि है? बिल्कुल। और आपने इनका क्या क्या सहयोग दिया कार्य करने में? जी, जनता ने हमें भेजा है तो हमें नगर पालिका को आगे बढ़ाना है। आपका नाम? नमस्ते, मेरा नाम श्रीमती दीपा देवी, मैं वार्ड नंबर 2 की सभासद हूँ। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। महिला, सबसे पहले तो बड़ी खुशी की बात यह है कि नगर पालिका अध्यक्ष जी ने जो है कि महिलाओं को साथ लिया है। महिलाओं को साथ लेना भी बहुत जरूरी है। तो आपने इनके साथ में जुड़ करके 4 साल विकास के समर्पण और ये प्रयास का जो पत्रिका छपी है, इसमें 4 साल के कार्यों का विवरण सारा दे रखा है, तो आप इससे खुश हैं या संतुष्ट हैं? जी, संतुष्ट हैं। इसमें आपकी भागीदारी क्या क्या है? हर निर्माण कार्य नहीं, आपके वार्ड में जो कार्य हुए हैं, आपके वार्ड की क्षेत्रीय जनता आपके कार्यों से खुश है क्या? खुश है जी। आगे आप अपनी क्षेत्रीय वार्ड के मुहिमरों के क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि आप भी हमारी तरफ, वार्ड साफ सुथरा और काम। ठीक है, अगर राजनीति में अगर कार्य अच्छा हो तो इसमें कहने की बात नहीं है, ना कोई आपके कार्यों को छीन सकता है, ना आपने प्रेम को भी अलग कर सकता है। आगे भी आप राजनीति में आए और इसी तरह कार्य जुड़ते रहे, आपके साथ लोग खुद अपने आप ही जुड़ते रहेंगे। आपका शुभ परिचय जी। जी नमस्कार, मैं विकास दुमागा, सभासद वार्ड। सबसे पहले तो समय एसटीवी का हार्दिक आभार, अपने हमें मौका दिया जो हमारे विकास कार्य हैं उनको जनता के सामने लाने का। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र की जनता और देश प्रदेश वासियों को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपका वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 1। एक जी, आपके वार्ड नंबर 1 में जो कार्य हुए हैं, आपकी जनता आपके कार्यों से खुश है क्या? जी बिल्कुल खुश है। यहाँ पे वार्ड 1 में मैं बताना चाहूंगा, सबसे ऐतिहासिक कार्य ये हुआ है, जो यहाँ पे थाने की गली थी, पहले उस पे स्टेप थे, सीढ़ियाँ थी, चलने में काफी दिक्कत होती, उस पे बाइक भी नहीं चल पाती थी, और आज बाइक छोड़ के वहाँ पे 4-व्हीलर भी चलती है। ये एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है और इसी प्रकार हम आगे भी कार्य करते रहेंगे। जिस प्रकार से हम सोच कर आए थे कि नगर पंचायत में हम जनप्रतिनिधि बनेंगे, एक विकास कार्य करेंगे, जनता से जुड़े रहेंगे, उसी प्रकार हम आगे भी विकास कार्य करते रहेंगे। बड़ी अच्छी बात है। राजनीति में सबसे पहली पहलू ये है, अगर प्रत्याशी अच्छा कार्य कर रहा है तो चुनाव आते जाते रहें, उसका मनोबल बढ़ता है और आगे भी उम्मीद रहती है उसको सीट जरूर मिलेगी। धन्यवाद आपका। चलो मैं उधर ही आ जाते हूँ। जी, मैं जगदम्बा कुमारी, नगर पंचायत वार्ड नंबर 4 में सभासद हूँ।
और सबसे पहले आपका समय HTV का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी नगर पंचायत को ये मौका दिया, हमें फर्स्ट टाइम आप आपके सामने पेश करने का मौका भी मिल रहा है। और सबसे पहले मैं अपने नगर पालिका अध्यक्ष और अपने पूरे बोर्ड के सारे सभासदों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन लोगों ने हमें अपने अध्यक्ष जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने एक से एक बढ़कर ऐतिहासिक कार्य अपने बोर्ड के द्वारा यहाँ पे करवाया है। नगर पंचायत ने पहली बार यहाँ पे एक पत्रिका छपी है जिसमें हमारे 4 साल के कार्यों का पूरा विवरण है, हमने जनता के सामने प्रस्तुत किया। लोगों की कई बातें टिकट टिप्पणी होती हैं इस बात पे कि क्या कर रहे हैं नगर पंचायत में, क्या यही कैसे कैसे हो रहा है, तो हम इस सब का ब्यौरा नगर पंचायत अध्यक्ष और उनके बोर्ड ने एक पत्रिका में सब सम्मुख रखा प्रस्तुत किया है। और एक से एक, एक से जैसे कि मेरे विकास दुमागा जी ने बताया और मेरे सभी सभासद साथियों ने बताया कि यहाँ पे एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। जैसे वार्ड नंबर 1 में तो उन्होंने बताया, वार्ड नंबर यहाँ पे हमारा ऊपर डंपिंग जोन जो कूड़ा का है वो भी एक ऐतिहासिक कार्य है। फिर वार्ड नंबर 4 में व्यू पॉइंट उधर एक बना है जो कि अध्यक्ष जी कहीं कुर्माओं से उस डिजाइन को ला के हमने वहाँ नदी के किनारे व्यू पॉइंट बना रखा है। और यहाँ पे बच्चों के लिए झूले वगैरह जिम का पूरा पूरा सामान यहाँ पे नगर पंचायत बोर्ड द्वारा चारों वार्डों में पार्क बनाए गए और उनपे पूरा जिम का और बच्चों के वॉकिंग का और झूले पूरा वहाँ पे किया गया है। तो ऐसा चौमुखी विकास, मैं भी नगर पंचायत में दूसरी बार मैं यहाँ पे पार्षद हूँ, लेकिन जो विकास कार्य इस कार्यकाल में नगर पंचायत अध्यक्ष जी और उनके बोर्ड के द्वारा किया गया वो है आज तक, मैं नहीं, हर आदमी के जुबान पे ये शब्द है कि ऐसा कार्य कभी हुआ भी नहीं है। आगे मैं चाहूंगी ये टीम द्वारा नगर पंचायत में आए और ऐसे हमारे बोर्ड हमारे को आगे बढ़ाने में नगर पंचायत अध्यक्ष जी का बहुत बड़ा हाथ है और उन्होंने हमें एक साथ लेके काम करवाया है, हमसे भी और खुद भी बहुत जागरूक। हमें भी पत्रकारिता करते समय 18-20 साल हुए, लेकिन मैं ये पहली बार देखा हूँ कि कीर्तनगर नगर पालिका ने अपने कार्यों की पटल पे पत्रिका के माध्यम से अपने कार्यों को पकड़ रखा है और ये बड़ी अच्छी सराहनीय कार्य उन्होंने किया है। और इसके अंदर उन्होंने जितने भी कार्य किए हैं सब इसके अंदर उन्होंने अंकित किए हुए हैं और उनसे आशा करते हैं कि आगे भी इसी तरह कार्य करते रहो और राजनीति में आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।